नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी फरियादियों की फरियाद। के अलग अलग मैरिज हॉल पर एक साथ 21 टीमों ने मारा छापा। इस अनोखे मछली को लोगों ने बताया भगवान विष्णु का अवतार। राज्य के 17 जिलों के तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धोया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी फरियादियों की फरियाद। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जहां उन्होंने कई फरियादियों की फरियाद सुनी। इस बीच मुजफ्फरपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, इसके बाद भी उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिली। इसके बाद सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को फोन लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके पति की मृत्यु कोरोना से हुई है, इनका कहना है कि इन्हें सरकारी सहायता राशि नहीं मिली है, इसे देखिए। वहीं मुजफ्फरपुर की दूसरी महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि महिला ने कहा कि एक अनुदानित कॉलेज है, कॉलेज के सचिव ही स्कूल की जमीन का कब्जा कर रहे हैं। इस पर सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाया और कहा कि इसे देखिए। 43 भिक्षुक महिलाओं को मिला रोजगार। पटना की वैसी महिलाएं जो कभी मंदिरों के सामने रेलवे स्टेशन के ऑफिस चौराहे पर भीख मांगते नजर आती थी, आज वह काम करते दिखाई दे रही हैं। बता दें कि इन महिलाओं को रोजगार मुख्यमंत्री का निवारण योजना के तहत सक्षम समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे शांति कुटीर महिला पुनर्वास केंद्र की सहायता से दिया गया है, जहां महिलाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ने के लिए आवास, भोजन, स्वास्थ्य, कपड़ा और हुनर दिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि ये महिलाएं लोगों से ऑर्डर लेकर उन्हें भोजन उपलब्ध कराती हैं। बिहार के अलग अलग मैरिज हॉल पर एक साथ 21 टीमों ने मारा छापा। बिहार में शादी विवाह का माहौल चल रहा है। बिहार का हर छोटा बड़ा मैरिज हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ देखा जा रहा है। इस बीच वाणिज्य कर विभाग ने बिहार के कई मैरिज हॉल पर छापेमारी की है। रेड के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। छापेमारी में कई अन्य अनियमितताएं भी सामने आई हैं। मैरिज हॉल संचालकों ने कच्चे बिल पर कारोबार किया और कई स्तरों पर टैक्स की चोरी की। कच्ची राशि ज्यादा थी, जबकि पक्की बिल में कम राशि दिखाई गई है। भवन निबंधित करवाने वालों को सिर्फ कच्चा बिल ही दिया गया है, जबकि पक्का बिल रख लिया गया है। जांच में ऐसी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें सरकार को चूना लगाने की कोशिश की गई है। इस बीच विभाग ने 21 टीम का गठन किया। इनमें से 14 टीमों ने राजधानी पटना में छापेमारी की, जबकि शेष 7 टीमों को राज्य के अलग अलग जगहों पर भेजा गया। पटना में 35 भवनों पर एक साथ छापा मारा गया है। इस अनोखे मछली को लोगों ने बताया भगवान विष्णु का अवतार। बीते दिन रविवार को बिहार के भागलपुर जिले के चंपा नदी में रामपुर मुसहरी घाट में एक अनोखी मछली मिली, जिसके बाद लोगों ने उसे भगवान विष्णु का अवतार बता दिया है। तो वहीं कुछ लोगों ने इस मछली की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरह की 5 फीट लंबी और 30 किलो की अनोखी बड़ी मछली स्थानीय तालाबों और नदियों में नहीं मिल पाती है। इस मछली को देखने के लिए मुसहरी घाट के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में इस दिन से होगी यूजी की ऑनलाइन क्लास। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। एनओयू अंडर ग्रेजुएट के लिए 14 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रही है। 14 दिसंबर से अंडर ग्रेजुएट और 2 जनवरी से पीजी के विभिन्न कोर्सों की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू होगी। इसकी जानकारी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। सभी विषयों के लिए अलग अलग तिथि और समय जारी किया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा। स्टूडेंट्स को उनके संबंधित विषयों के लिए अलग अलग लिंक भेजा जाएगा। जिस पाठ्यक्रम में प्रथम 2 दिनों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति अगर 10 से कम होगी तो उस पाठ्यक्रम की परामर्श कक्षाएं निर्धारित मापदंड के अनुरूप बंद हो जाएंगी। एनओयू ने कहा है कि ग्रेजुएशन पार्ट 3 के स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग मटेरियल वितरण केंद्र से जल्द प्राप्त कर ले। राज्य के 17 जिलों के तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। राज्य में ठंड ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इन 2 दिनों में तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आकाश भी मुख्य रूप से साफ रहेगा। बीते दिन रविवार की बात करें तो तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस के साथ गया शहर सबसे प्रदेश का ठंडा शहर बना रहा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में सुबह के समय लोगों को थोड़ा कोहरा देखने को मिल सकता है। पटना पुस्तक मेला में युवाओं को खूब पसंद आ रहा है भारत का संविधान।
बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। वहीं इस बार युवाओं के द्वारा इस पुस्तक मेला में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। बता दें कि इस बार पुस्तक मेला में जो किताबें सबसे ज्यादा बिक रही हैं, उस किताब में भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान पुस्तक शामिल है। अब तक इस मेले में इस किताब की कुल 200 प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा जो पुस्तक सबसे ज्यादा बिकने में शामिल है उनमें मेरी फितरत है, मस्ताना, मैं हूं जॉन एलिया जैसे पुस्तक शामिल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 सालों से यह पुस्तक मेला नहीं लगाया जा रहा था। यहाँ लीजिए लॉकअप में चाय पीने का मजा। आपने रास्ते पर चाय पीने का तो मजा खूब लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी लॉकअप में चाय पीने का मजा लिया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा लॉकअप है जो इन दिनों युवाओं का खास पसंद बना हुआ है। बता दें कि यहाँ युवा सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ आते हैं और यहाँ मिलने वाली कुल्हड़ चाय का जमकर मजा लेते हैं। चाय की दुकान का नाम कैदी चाय वाला है। वहीं दुकान के डिजाइन की बात की जाए तो यह देखने में बिल्कुल जेल की तरह दिखाई देता है। इस दुकान में बाहर से लॉकअप जैसा लोहे का मोटा ग्रिल लगा होता है, वहीं अंदर एक टेबल पर 4 कुर्सियां लगी रहती हैं। वहीं चाय पीने वाला पहला इंसान हाथ में डंडा और सर पर टोपी लगाए बैठा होता है, तो वहीं दूसरा इंसान कैदी की तरह हाथों में हथकड़ी पहना बैठा होता है। आज के सेल्फी के दौर में युवाओं के लिए यह दुकान एक बेहद मनपसंद लोकेशन बन गया है। खेसारी लाल के ट्वीट से बिहार की राजनीति में मच सकती है खलबली। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से खेसारी लाल यादव भाजपा को उसकी 9 साल पुरानी बातों को याद दिला कर सुर्खियों में है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए एक अखबार की खबर शेयर की है। इस खबर में बीजेपी का एक कार्यक्रम है जो कि साल 2013 को दिसंबर महीने में पटना में हुआ था। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का था जिसमें बीजेपी के कई नेता जुटे थे। इस कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी समेत तमाम नेताओं का जुटान हुआ था। इसी में यह कहा गया था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। खेसारी लाल यादव के इस ट्वीट के बाद लोगों के कॉमेंट्स के बाढ़ लग चुके हैं। सऊदी अरब ने फंसे बिहार के शख्स की भावुक अपील। बिहार के एक युवक का भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यह युवक बिहार के सिवान जिले का है जो सऊदी अरब में जाकर फंस चुका है और वो वीडियो के माध्यम से भावुक अपील कर रहा है। दरअसल बलेथा केवल हाता गांव निवासी चंद्रमा सिंह का पुत्र रंजित नाम का एक युवक रोजी रोटी की तलाश में सऊदी अरब के जिंजाल शहर के दरब नामक स्थान पर पिछले 20 दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने वहां पर 3 सालों तक मजदूरी की, लेकिन अब उसका पासपोर्ट, मोबाइल और पर्स भी किसी ने चोरी कर लिया है। युवक का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह लोगों से रोते हुए भारत लौटने की गुहार लगा रहा है। उसके वीजा की तिथि समाप्त हो चुकी है। बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस ने बदले तेवर। बीते दिन रविवार को राजधानी पटना में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पहला कार्यक्रम जदयू का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। वहीं तो दूसरी ओर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का जोरदार स्वागत करने के लिए बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों का लक्ष्य एक ही था और वह था 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि सभी दल एक साथ आएंगे और देश से भाजपा को दूर भगाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अपने तेवर से बता दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में बिहार में आक्रामक होकर काम करेगी। इसके साथ ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी जानकारी दी कि राहुल गांधी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा में वह भी बिहार के बांका से यात्रा 28 दिसंबर को प्रारंभ करेंगे जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश ललन पर जमकर बरसे आरसीपी सिंह। बीते दिन रविवार को नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री के विकास कार्यों वाले दावे को लेकर नीतीश कुमार और ललन सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो विकास के दावे कर रहे हैं वह धरातल पर है ही नहीं। गांव में सड़कों की स्थिति, नल में पानी, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कुछ भी ठीक नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू को एक सीट भी नसीब नहीं होगी। जिन्हें बिहार की जनता ही नकार रही है उन्हें देश कैसे अपनाएगा। बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज बिहार का युवा प्रदेश में जाकर क्रिकेट खेल रहा है। नीतीश कुमार को खेलकूद से कोई मतलब नहीं है, एक ही खेल आता है राजनीति वाला कि कैसे पलटी मारा जाए। मिर्जा गालिब कॉलेज के मुद्दे पर हम के 2 पदाधिकारी आमने सामने। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 2 पदाधिकारियों के बीच एक मामले को लेकर जुबानी जंग देखी गई। हम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौसीफ रहमान खां और राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी एक दूसरे के आमने सामने दिखे। तौसीफ रहमान खां द्वारा मिर्जा गालिब कॉलेज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बात पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मिर्जा कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गए आरोप से हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही सचिव को नसीहत भी दी है कि पार्टी किसी एक से नहीं बनी है, हमारी ओर से इस मामले पर कोई लेना देना नहीं है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धोया। बीते दिन रविवार को दूसरे टी20 मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल अपने नाम कर लिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 187 रन बनाए गए थे, तो वह उसके जवाब में भारतीय महिला टीम की ओर से 20 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाते हुए सुपर ओवर के साथ जीत अपने नाम कर ली। इस मैच के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के द्वारा संभाली गई। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर निर्धारित है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 96 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज कुमार तिवारी, नुनू कुमार गोलू, विजय राय, जुबैर आलम, चंद्रदीप यादव, के सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांजी, मोहम्मद नौशाद रजा, नंद कुमार सिंह और कुलदीप यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।